jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें आज भी। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, जहां एक प्रसिद्ध धाम है जय मां शीतला महारानी चौकिया जौनपुर में है। यहां पर लोगों को मानना है कि जब से सृष्टि हुई है और मां महारानी जो है खुद ही ये प्रकट हुई है और यहां पर विराजमान हुई है, उसी को जानकारी लेते हुए हमारे पास यहाँ के जो पूजा पाठ करते हैं वहाँ के महाराज हैं, पंडित जी हैं, उनसे बात करेंगे, इस बारे में जानकारी लेंगे कि माँ का कौन सा ऐसा रूप है कि लोगों को लुभाता है यहाँ आने के लिए। सर, खबरें आज भी में आपकी स्वागत है, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार त्रिपाठी है और मैं पुजारी हूँ शीतला धाम का। सर, क्या खूबियाँ हैं माँ शीतला देवी की, लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से खींचे चले आते हैं? यहाँ पर माँ के दरबार में जो भी आता है सबके मन्नतों को माँ पूरी करती हैं, ऐसी आस्था और विश्वास है पूरे जनमानस में, पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ से माँ के दरबार में कड़ाही पूजा, नारियल चुनरी, धोती पीरी, लौंग जायफर इत्यादि, खसी भेड़ा जो भी चढ़ता माँ के दरबार में, सब लोग यहाँ दर्शन पूजन करने के बाद, पूरी चढ़ाने के बाद सब लोग बिंदा चल जाते हैं, ऐसी मान्यता परम्परा है। सबकी आस्था लगी हुई है और घर घर से पूजा दी, सबके आस्था मनोकामनाओं देवी पूर्ण करती हैं। इस करोड़ी सैलाब उमड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं जनता को रोक नहीं सकता है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, दुकानें बंद हैं, सारी स्थितियाँ, इसके बावजूद दर्शनार्थी आ रहे हैं और बाहर से ही पट बंद है माँ का दरबार। महीनों से आरती पूजा होता है, आरती समय पट खुल जाता है, उसके बाद तुरंत बंद कर दिया जाता है और सब दर्शनार्थी जो है इसी प्रकार बाहर से ही दर्शन पूजन करके गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। फालतू आते इस समय क्या क्या उनको किस आरतियाँ जो होती है, कितने कितने टाइम पर और कितनी बार होती है दिन में आरती? ये आरती 3 बार होती है, एक सुबह होती है लगभग 5 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे होती है और नाइट में 9 बजे के बाद होती है आरती। 3 बार आरती होती है, 3 बार पर खुलता है, बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं, अंदर कोई जो है प्रवेश नहीं करता। आज ये कोरोना काल को चल रहा है, प्रतिदिन कितने लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने? प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 3000 के हिसाब से आते हैं। जैसा जैसा आज आप देख रहे हैं 2-4 हज़ार यात्री आए हैं, 2-3 हज़ार रहते हैं दर्शनार्थी, दर्शन पूजा कर रहे हैं, कड़ाही पूजा कर रहे हैं अपना और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। और इस कोरोना काल में जितने दर्शनार्थी आए, पंडा समाज भी है और सब लोग हैं, ऐसी माँ की आस्था विश्वास है कि किसी को अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला किसी कोरोना हुआ हो, चाहे जनता हो, चाहे जनता जनार्दन हो, चाहे पंडा समाज हो, माँ सबके मनोकामना पूर्ण कर रही हैं और प्रशासन की तरफ से भी ऐसी मान्यता है कि थोड़ी छूट दी गई है दर्शनार्थियों को दर्शन करने के लिए। अभी जब हमारी टीम जो खबरें आज की टीम है गेट से दर्शन करने के लिए यहाँ पर अंदर हुई, तो वहाँ के लोगों का कहना है कि कोरोना काल में हमारी दुकानें बंद है, जो परिस्थिति है रोजगार बंद हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है, जो लोगों ने आपसे कहा वो गलत है। 11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं और जब प्रशासन आता है 11 बजे के बाद, जब चौकी इंचार्ज आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, तो कुछ देर के दुकानें बंद होती हैं। उसके बाद सब लोग प्रशासन की तरफ से भी, इंस्पेक्टर लाइन बजाज की तरफ से भी कहा गया है इस तरह से कि भाई रोजी रोटी है,
कुछ दिन की सब लोग रोजी रोटी अपना कमाएं, ऐसी बात ना नहीं है कि दुकानें सब बंद हो गई हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन सा ऐसी खासियत है एक माँ के दरबार में लोग खींचे चले आते हैं? माँ की इतनी बड़ी आस्था है, पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे ऑल इंडिया से दर्शनार्थी, जहाँ जहाँ भी यूपी के दर्शनार्थी हैं, सभी लोग जो आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और ये विस्फोटक मर्दिनी है, जो विस्फोटक चेचक के रूप में निकलता है, यहाँ आने से चेचक ठीक होता है और कहीं जाने से नहीं। और बड़ी माता जो निकलती हैं माँ के यहाँ कढ़ाई पूजा खसी भेड़ा चढ़ाने से ही दूर होता है। और अंधा जो आते हैं माँ का नील लगाने से, उनको माँ ने आँख दिया है। तालाब में नहाने से जो माँ का कुंड है उसमें कुष्ठ रोग का निवारण होता है। इसलिए दर्शनार्थी अपने आप खींचे चले जाते हैं। पूरी आस्था और विश्वास है कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और सबके मनोकामनाओं को भी पूर्ण भी करती हैं। दिया यहाँ के सब जितने भी लोग आते हैं सभी की मनोकामना पूरी होती है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के श्रद्धालु से, इस तरफ से एक तिवारी राजा, क्या आपने यहाँ माँ के आशीर्वाद से किस तरह से आप क्या श्रद्धा लेकर यहाँ पे आए? आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, हमारा नाम विवेक पांडे है। क्या यहाँ पे क्या आस्था लेके आए हैं, क्या मनोकामना पूरी है और माँ से क्या आपने मांगा है? हमने जो भी माँ से मांगा है सब कुछ माँ ने पूरा किया है। हम तो जौनपुर से ही। हम आते हैं बस पैर धरते हैं, माता रानी सब मनोकामना पूर्ण करती है वही। भैया क्या ये तो बहुत पौराणिक मंदिर है माँ शीतला जी का, ये 400 साल पुराना है, शक्तिपीठ है। जो इनके माँ के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं गया, यहाँ से झोलिया भर करके लेकर गया है। ये सिद्धिदात्री भी है, ये बहुत शक्तिशाली भी हैं। यही है यहाँ की खासियत, विशेषकर यही है कि यहाँ पर कोई खाली हाथ नहीं गया है। सब वो जरूर मिला, उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। यहाँ पर जो आता है उनकी पूरी ही मुरादें पूरी होती है, ऐसे यहाँ का मानना है। और उनको श्रद्धा के साथ में जो भी यहाँ पे पुजारी आता है या पूजा करने के लिए आता है या सुख संतान के लिए आता है या कुष्ठ रोग के लिए होता है, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। उसी से तो बात करेंगे, हमारे साथ में एक और यहाँ के महाराज जी हैं। सर अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम मनुगुरु तिवारी है। यहाँ जो भी यात्री दर्शन पूजा करने आते हैं, विवाह शादी मुंडन संस्कार जनेऊ आज हवन कुंड जो भी दसवन्ना गोदान होता है, तब यहाँ जिसकी मन यहाँ पहाड़ दर्शन करने वाले बिंधाते तब जाते हैं। पूरी करिया हलवा पूरी सब कुछ को चढ़ता है। क्या मतलब हलवा जो पूरी चढ़ाते हैं किस कारण चढ़ाते हैं लोग, क्या है उनकी माँ की जो जो माँ को इतना हलवा पूरी चढ़ाते हैं कि क्या उनको? जैसे मुन्न हलवा पूरी उनको ज़्यादा पसंद है। हाँ, हलवा पूरी जिसे भोग लगाया जाता है, चना हुआ भोग हुआ, इस माँ को तो हंसी चढ़ता है। कोई ऐसा चीज जो है जो माँ को नहीं चढ़ता हो यहाँ पर, जो माँ को चढ़ा दे उनको तो सब कुछ चढ़ता है। हाँ, बतासा लाई चना हर चीज इनको चढ़ता है। कौन सा साल में ऐसा महीना आता है माँ के दरबार में ज्यादा लोग आते हैं? बसंत पंचमी से लेकर के सावन तक, यह में हाँ मेन होता है। उस महीने में जो मांगी हुई मुरादें पूरी टोटल पूरी होती है। हाँ, लोग हर पूर्णिमा को भी आते हैं, जिन मनते हर रामावन को भी आते हैं, हर पूर्णिमा को भी हम पूजा यहाँ करते हैं इत्यादि। आज लोग माने हमेशा, आज इसे नहीं, ये बहुत दिन से आज तक चला आ रहा है। तो भी आप ऐसा कुछ जानकारी दे सकते हैं कि ये कितने साल से पुरानी माता यहाँ विराजमान है? 1795 से यहाँ पर विराजमान है। और इसी तरह से माताजी लोग नहीं, पहले लोग इतना नहीं आते थे। जैसे जौनपुर हुआ, आजमगढ़ हुआ, बनारस हुआ, छपरा हुआ, बलिया हुआ, गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, आज जगहों से आते हैं। तो सर ये बताइए किस कारण माताजी का इतना नाम हो गया कि लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से आते हैं यहाँ? यहाँ सबसे बड़ी बात है, कमलापति त्रिपाठी भी यहाँ आए थे एक बार, जो इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने यहाँ पहले आया, तो यहाँ से ही उन्होंने भी इलेक्शन हारे, यहाँ से इलेक्शन जीते। और 24 घंटा के अंदर उन्होंने लाइट पानी टंकी बिजली डाकखाना बस यहाँ चलता था, पहले बंद हो गया है, आज यहाँ चलता था।
यहाँ सुरेश कुमार नागराज एक थे जो बॉम्बे बॉम्बे के स्वतंत्र बेदन के खिलाफ रिपोर्ट एक बार लगाए थे, उन्होंने भी यहाँ आया था। उनकी याद की रोशनी चली गई थी, इसके बाद उन्होंने आए तो माँ का जो स्नान होता उनका नीर में दिया, फिर उनकी आग की रोशनी वापस आई, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल जज होकर अब रिटायर हुए, कहाँ नहीं जानते। ऐसा मानना है कि माँ के दरबार में सच्चे दरबार से आता है, जो भी आया है जो भी मांगा उसको मिलता है। आगे मंदिर जब यहाँ पर कोई भी सच्ची मुराद लेके आता है उनका ही मनोकामना पूरी होती है और माता से जो मांगता है उनकी मुराद एकदम 100% पूरी होती है। यहाँ ये कई साल से खुद ही एक विराजमान एक भाग्य मंदिर है, माता का दरबार है। इस दरबार में कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। आप देख रहे हैं जौनपुर से खबरें आज भी की रिपोर्ट।